हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो मैं एक डिफरेंट कंट्री के बारे में बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने थंबनेल देख चुका होगा। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से। ठीक है, मैं जनरली सेंगन कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा उनके प्रोसेस पे वर्क करता हूँ, बट अब मैं आपको यूके स्टडी वीज़ा से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में दूंगा एंड हर चीज़ काफ़ी डिटेल्ड वे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि सर आप प्लीज़ यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर भी बताओ, आप हमें हेल्प करो, क्योंकि इंडियाज़ में कंसल्टेंसीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं एंड ठीक से इंफॉर्मेशन हमें वो फॉरवर्ड नहीं करती हैं। तो मैं सोचा क्यों ना कि आप लोगों का डिमांड पूरा किया जाए एंड मैं यूके स्टडी वीज़ा के हर इनटेक हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निखिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड मैं वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा का प्लान कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है इनटेक्स, यहाँ पे कौन कौन से इनटेक्स हैं, राइट? तो मैं इनटेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, बेसिकली 2024 इनटेक्स के बारे में। मैं इंटेक्स की बात करूं तो यूके में जो इंटेक्स होते हैं वो होती हैं फेब इंटेक, मार्च इंटेक, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर। अब आप कहोगे कि इतनी कंटिन्यूस इंटेक कैसे होती है, क्योंकि यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए, वो ऑलमोस्ट हर वन एंड आफ्टर वन मंथ वो इंटेक्स ओपन करती हैं। ओके, बेसिकली यूके में जो इंटेक्स होती है वो होती है मई इंटेक और सेप्टेम्बर इंटेक, राइट, एंड जेन इंटेक। बट कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक मार्च, अप्रैल, इन समय पे भी ओपन करती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको क्लास 12th में 55% चाहिए, और इधर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको 55% चाहिए आपके बैचलर्स में, एंड यहाँ पे 12 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए आपकी फॉर द बैचलर्स एंड 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर द मास्टर्स। एंड इन यूके IELTS इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सो यू कैन अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीज़ा विदाउट IELTS। यू जस्ट नीड टू कीप योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विथ यू एंड दैट्स ऑल। अब मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th की अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने साथ रखनी है। आपको लगेगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट आपकी बैचलर्स की इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स डिग्री, एंड टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वन स्कैन पासपोर्ट एंड आधार कार्ड कॉपी, वन पासपोर्ट साइज फोटो एंड SOP, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूके की यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस मंगाने के लिए, क्योंकि आप प्रोसेस कैसे वर्क होता है, आपको क्या करना होता है, आपको SOP को अपना क्रिएट करना होता है। SOP क्रिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यूके स्टडी वीज़ा को लेके। किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आपकी उसे SOP काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी जो पॉइंट होती है वो होती है आपकी SOP बनने के बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लीकेशन करते हो। यूनिवर्सिटी में अप्लीकेशन करोगे आप, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो 3 से 7 वीक के अंदर आ जाएगी मैक्स टू मैक्स। अब जो आपकी एक्सेप्टेंस आती है वो कंडीशनल होती है। अब वो कंडीशनल क्यों होती है, क्योंकि आपको पेमेंट करना होता है, आफ्टर पेमेंट वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके देते हैं। अब मैं पेमेंट के स्ट्रक्चर समझाता हूँ। यूके के एक बेस्ट पार्ट है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप 3 मंथ का पेमेंट करके वहाँ से आप NOC कह लो या जो भी कह लो उनके सर्टिफिकेट ले लोगे और आपको फाइनल एडमिशन लेटर दे देंगे। किसी यूनिवर्सिटी में आप 6 मंथ का भी आपको देती है वो फैसिलिटी, किसी में 1 साल की, बट मोस्टली 3 से 4 मंथ, 5 मंथ की फैसिलिटी देती है कि आपको एक बार में सारी पेमेंट नहीं करनी है, आप इतना कर दो एंड देन आफ्टर आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप आफ्टर अराइविंग इन यूके करना। उसके बाद आपको ना जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको यूनिवर्सिटी उधर से आपको लेटर देती है और फाइनल एडमिशन लेटर देती है, वो आपको वीज़ा के टाइम पे यूज़ करना है। आफ्टर पेमेंट ना आपको अटेस्टेशन अपोस्टाइल लीगलाइजेशन ऑथराइजेशन भी अपने डॉक्यूमेंट्स का कराना पड़ेगा। आपको एक मेडिकल आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपको अपनी बनवानी पड़ेगी ऑथराइज एजेंसी जो यूके एम्बेसी के द्वारा इंडिया में है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको ना सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है बैंक स्टेटमेंट। अब आपको जो यूके स्टडी वीज़ा है ना उसके लिए आपको कुछ फंड दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में।
अब वो फंड डिपेंड करती है सिटी बाय सिटी। अगर आप आउटसाइड द लंदन रहते हो, इफ यू आर अप्लाइंग टू द कॉलेजेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द लंदन, देन यू नीड टू शो अराउंड 9 to 10 lakhs, ओके, एज अ बैंक स्टेटमेंट। एंड इफ यू आर अप्लाइंग इन दोज यूनिवर्सिटीज विच आर इन लंदन, लाइक दोज यूनिवर्सिटीज आर सिचुएटेड इन द यू नो लैप ऑफ लंदन इन द मेन टाउन, सो वहाँ पे आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी वो 12 से 15 लाख के बीच वैरी करेगी INR। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट, आई मीन जो मैं फंड की बात कर रहा हूँ, ये आपको कितनी पुरानी हो तो चलेगा, एटलीस्ट ये 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। 28 दिन से आप ज़्यादा रख लो अपने अकाउंट में, स्पॉन्सर के अकाउंट में, तो बेटर होगा। अब इस बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है, जो भी मनी है, इसको आप कैसे आप लीगल प्रोवाइड करोगे, लीगली बताओगे, उसके लिए आपको ना एक अपने एरिया के कोर्ट से स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवानी होगी। जो भी आपको स्पॉन्सर करेंगे उसमें मैंशनड होगा कि ये पैसे आपके लिए वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके यूके स्टडी वीज़ा के लिए। उसके बाद ये तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, प्रोसेस कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, इनटेक्स बता दी, ये बता दी। और मैं ना आपको ये चीज़ें बताने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कैसे करें, कैसे सारी प्रोसेस वर्क करती है। सो हम उनके लिए एक बहुत स्पेशल डील लेके आए हैं। बहुत कम अमाउंट में आपको मैं बहुत सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ। अगर आप हमारे थ्रू आते हो, आपकी प्रायोरिटाइज एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, आपकी SOP हम बनाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट असिस्टेंस आपको पूरी मिलेगी, कहाँ से अटेस्टेशन ऑफ पोस्टाइल, क्या कुछ भी करवाने हैं, जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने हैं, हर चीज़ में आपकी कवर लेटर हम बनाएंगे वीज़ा के लिए, आपकी फ़्लाइट बुकिंग फॉर वीज़ा हम देंगे, आपकी अकोमोडेशन बुकिंग फॉर वीज़ा हम देंगे, वन ईयर की ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आपकी वीज़ा इंटरव्यू अगर होती भी है उसकी प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे, एंड आपको प्री डिपार्चर एंड पोस्ट डिपार्चर सारी असिस्टेंस मिलेगी पूरी ग्राउंड लेवल पे। उसके बाद सिंपल सी क्या करना है कि आपकी जैसे सारी फाइलें रेडी होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके VFS जाना है, अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा फाइल करना है। अब हमारी जो सर्विस चार्ज होगी ना, हमारी सर्विस जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो होगी आपको 500 यूरो। आपको दो इंस्टॉलमेंट में देने हैं, 250 यूरो अभी देने हैं इंस्टॉलमेंट के टाइम, 250। तो आज की वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।